नमस्कार, आप देख रहे हैं एक इंडियन चैनल और अभी हम मौजूद हैं जींद की स्कीम नंबर 6 के अंदर। जैसे कि सियासी पारा डेली बढ़ता जा रहा है और चुनाव के दिन नज़दीक आता जा रहा है, तो वहीं सियासत गर्माती जा रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्विता कुंडू, जो कि एक पंचायती उम्मीदवार है, उनसे हम जानेंगे। सबसे पहले मैम ये बताइए कि अगर आप चेयरमैन पद पर बैठती हैं तो आपकी मेन क्या काम रहेंगे जो कि आज तक नहीं कर पाई? जो मेन काम हमारे हैं वही है, मतलब रिपीटेशन में आ रहे हैं, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, जो कि हमारी नगर परिषद में मेनली फैला हुआ है। आज भी ताज़ा न्यूज़ें आ रही हैं, अभी जो प्रॉपर्टी आईडीज़ के लिए पैसे लिए जा रहे हैं उनमें पकड़े जा रहे हैं, तो ये जो मेन है वहाँ का, जो हमारा भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है और उसके बाद हमारे शहर का विकास करना है। मैम वहीं दो डॉक्टर चुनाव मैदान में हैं, जबकि एक का कहना है कि आज से जो महिलाओं की ओपीडी फ्री कर दी गई है, दूसरे डॉक्टर का कहना है कि जो हमने ओपीडी कभी ले ही नहीं, तो कितना इफेक्ट रहेगा चुनाव के ऊपर इस बार? ये तो सर इलेक्शंस के प्रोपेगेंडा हैं। एक तो जो कह रहे हैं अभी हमने ताज़ा फ्री की है, तो आपने कोरोना काल में उनको देखा भी होगा, उनकी जो न्यूज़ हैं वो वायरल भी हुई हैं, तो उनको कैसे, मतलब कोरोना काल में लोगों को लूटा गया था उन्होंने, जैसे कि उन्होंने वो सिलेंडर्स थे वो 60,000 रुपए के बेचे थे और पेशेंट को बिना पैसों के, वो पेशेंट को एंट्री नहीं दे रहे थे, पहले पैसे जमा करवा रहे थे उसके बाद पेशेंट को बेड मुहिम करवा रहे थे, तो उस टाइम कहाँ थे ये, जो आज इलेक्शंस के लिए ये ओपीडी फ्री कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, वहीं जो विधायक है जींद के कहते हैं कि हमने चौतरफा विकास किया है, रोडों से लेके फ्लाईओवर तक की बात करें, या फिर अभी जो एक काफ़ी चर्चा में है एक भाखड़ा का पानी जो जींद में लेके आ रहे हैं, तो उसको लेके क्या कहना चाहिए? सर मैं ये कह रही हूँ कि जो आज ये भाखड़ा का पानी जो ताज़ा न्यूज़ें आ रही हैं वो एक इलेक्शंस के लिए हैं, जो लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं तो लोगों से, जो मेरे शहरवासियों से अपील करूंगी कि आप उन बहकावी बातों पे न जाके, जो उनका कार्यकाल रहा है पिछले 12 सालों से, उस पे जाएं और देखें अपना उम्मीदवार भी कौन कैसा है, और अपनी समझ से, सूझबूझ से अपने जो एक सच्चे और ईमानदार उम्मीदवार को आगे लाएं, ताकि आपके शहर का काम हो सके। तो फिर हाँ जी किसी भी सौ रुपये डॉलर।